अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज एक नई वीडियो के साथ। लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मेरा प्रोग्राम है, पाकिस्तान का पहला प्रोग्राम है जिसमें स्टॉक मार्केट में बाकायदा इन्वेस्टमेंट करनी सिखाई गई है। अच्छा, कभी कभी मूवीज़ की बात भी होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट की बात भी होनी चाहिए, मज़े की बात भी होनी चाहिए। मेरा भी जो सेशन था कासिम अली शाह फाउंडेशन में, उसमें भी मैंने ये दो मूवीज़ जो हैं, मैंने आपको बताया तीसरी बाजार जो है उसके ऊपर तो मैंने एक डिटेल में बना भी दिया, मैं उसको तीन मूवीज़ कहूँगा। एक द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, द परसूट ऑफ हैप्पीनेस विल स्मिथ की फिल्म है। उस फिल्म वो रियल स्टोरी पे बेस्ड है। वो एक आदमी है जो मौशी तौर पे परेशानियों से घिरा हुआ है और वो फिर एक स्टॉक मार्केट को देखता है और वहाँ से लोगों को खुशहाल निकलते देखता है और वो कहता है कि इस प्रोफेशन को मुझे अडॉप्ट करना चाहिए। उसका घर टूट जाता है, उसके कारोबारी हालात बड़े ख़राब होते हैं, वो गुर्बत से लड़ते लड़ते जो है थक जाता है, इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज़्यादा तालीम भी नहीं होती उसके पास, तो फिर वो स्टॉक मार्केट के अंदर जाता है। इट्स अ रियल स्टोरी। और फिर वो अपनी जो फाइट है वो लड़ता है और बड़ा इस्टेब्लिश हो जाता है ज़िंदगी में और एंड पे उन्होंने उसकी स्टोरी दी है। तो ब्यूटीफुल मूवी, बड़ी रियलिस्टिक और बड़ी खूबसूरत फिल्म है। दूसरी फिल्म है इंडिया की गुरु। गुरु जो है धीरू भाई अंबानी, इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके ऊपर गुरु भाई, उसमें एक एक्टर है अभिषेक बच्चन ने वो काम किया है। कुछ तो ज़्यादा आपको पता है बॉलीवुड में मसाला, गाने, ऐश्वर्या राय, ये वो दूसरी चीज़ें भी हैं, लेकिन जो मेन फ्रेम है वो IPOs कॉरपोरेट सेक्टर की डेवलपमेंट के बारे में है कि एक डिटर्मिंड बिजनेसमैन जो है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर, स्टॉक मार्केट की IPO से रिलेटेड है। और उस वक्त धीरू भाई अंबानी ने जो IPOs किए स्टॉक मार्केट में, अपनी कंपनियों को लिस्ट बनाया, और उसमें एक मुझे बहुत अच्छा लगता है सीन जो वो कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हमने बनानी है, और उसमें शेयर होल्डर्स की मीटिंग जो है वो स्टेडियम में होती है। तो इंडिया में ऐसी कंपनीज़ हैं जो इतने बड़े कैपिटल हैं और उनकी शेयर होल्डर मीटिंग्स इस तरह से होती हैं, तो वो बड़ा अच्छा उसमें आधी जो 25-30% ज़ाहिर है, मसाला भी ज़ाहिर है, उन्होंने मूवी चलानी है, गाने वाने उन्हें अगर निकाल दें तो बहुत अच्छी मूवी है एक समझने के लिए, पावर ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर मैं उसे कहूँगा, और वो बड़ा खूबसूरत उसके अंदर। और दूसरा उसका जो स्टार्ट है उसमें ये है कि मेरे पिताजी जो हैं, यानी मेरे वाले साहब, वो जो कहता है करेक्टर जो धीरू भाई अंबानी, वो ख्वाब देखने के खिलाफ थे, वो कहता था नौकरी करो उसका बाप, तो मैंने ख्वाब देखे और अपने ख्वाब सच्चे किए, और ख्वाब उन्हीं के पूरे होते हैं जिन जो ख्वाब देखते हैं और उनके लिए काम करते हैं। तो इट्स एन इंस्परेशन एंड मोटिवेशनल मूवी, ज़रूर देखें आप। बाजार पिछले दिनों सैफ अली खान की एक फिल्म है, उसका मैंने जिक्र किया है, वो मोनोपलाइजेशन को और जो कार्टलाइजेशन और पंप एंड डंप इस चीज़ को दिखाती है। ये वो चीज़ कहती है कि हमें टिप से दूर रहना चाहिए। मैं भी ये कहता हूँ हमें टिप से दूर रहना चाहिए, सॉलिड वर्किंग करके अगर आप काम करें तो उस काम में अच्छे पैसे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको किसी इनसाइडर की ज़रूरत नहीं है, कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन पर, समझदारी से, रिस्क मैनेजमेंट करके अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्टॉक मार्केट आपको अच्छे रिटर्न्स देती है, अच्छी ग्रोथ देती है, ये एक अच्छा बिजनेस है। बाकी प्लीज़ कोई बंदा ये ना समझे कि जी मैं लोगों को इलोर कर रहा हूँ या मैं लोगों को फोर्स कर रहा हूँ या मुझे कोई फ़ायदा है आपके, आपको सर अच्छा लगे आप ये काम करें, एक इल्म है, एक तालीम है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जिस भाई को अच्छा नहीं लगता, जिस भाई को कंफर्टेबल नहीं लगता, वो ये काम ना करे। ये जो है ना, पहले टिप्स के पीछे भागना और बाद में कहना जी गरीब को सब मारते हैं, कोई गरीब को नहीं मारता। असल में जो लॉटरी की ज़हनियत है वो आदमी को मारती है, ग्रीड इंसान को मारता है। एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू ईट द फ्रूट्स, नोबॉडी वॉन्ट टू वाटर द रूट्स। तो मेहरबानी फरमाएं, अपनी लर्निंग करें, अपनी एजुकेशन करें, अपने ऊपर काम करें, सीखें, समझें, सोच कर, समझ कर, सीख कर ये बिज़नेस करें। इट्स अ वेरी गुड बिज़नेस। अपनी गलतियों के लिए बिज़नेस को गाली मत दें, अपनी गलतियों के लिए लोगों को गाली मत दें। ये एक अच्छा कारोबार है और ये मेरे लिए इसने काम किया है, तो मैं इसीलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, जिसको अच्छा लगे वो करे, जिसे अच्छा नहीं लगता वो ना करे, लेकिन अपनी कम इल्मी, अपनी सुस्ती, अपनी काहली, अपनी नालायकी और टिप्स में लोगों के पीछे भीख मांगने टिप्स की और उसके बाद अपना नुकसान करने के बाद मार्केट को गाली ना दें, इस बिज़नेस को गाली ना दें। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको गुस्सा है तो मैन इन द मिरर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बगैर कुछ किए ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता, तो मेहनत की आदत डालें। इसके अंदर मेहनत है, मुंह खोलकर सारा दिन टर्मिनल देखना मेहनत नहीं है। बुक्स को पढ़ना, अच्छे शेयर्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना, अच्छा मेंटोर, अच्छा ब्रोकर की सिलेक्शन करना, और समझदारी से लालच में मत आना, थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स बुक करना, ये इस बिज़नेस का आर्ट है।
तो इसका आर्ट सीखें, इसको पहले सीखें फिर करें। लोग करते पहले हैं, सीखते बाद में हैं। तो मेरा आपको मशवरा है कि इसको सीख कर समझ कर करें, इंशाल्लाह आपको बहुत रिटर्न्स होंगी। हर वो आदमी जिसके पास 1 लाख या उससे ज़्यादा सरमाया है, उस स्टॉक मार्केट में उसे ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये कोई मजहबी कोई चीज़ नहीं है, आप मुझसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि करना चाहिए, आप वो करें जो आपको अच्छा लगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।